हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गूगल पे से रिडीम कोड कैसे परचेस करेंगे, यानी गूगल पे से रिडीम कोड कैसे बनाएंगे। क्या आप भी फ्री फायर में यूज करना चाहते हैं रिडीम कोड को, तो किस तरह से आप गूगल पे से रिडीम कोड बना करके आप फ्री फायर में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल पे से किस तरह से आपको रिडीम कोड बनाएंगे या परचेस करेंगे। तो गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से आपको बनाना है रिडीम कोड। तो गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं सीन ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज और यहाँ पे गूगल प्ले लिखा हुआ है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी आप अमाउंट का जितना का रिडीम कोड बनाना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको 10 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक आप यहाँ पे रिडीम कोड बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताने के लिए यहाँ पे 10 रुपया मैं डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट आपको कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पे का ऑप्शन आ रहा है, तो पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म परचेस पे आपको क्लिक करना है, यानी आप रिडीम कोड परचेस करना चाहते हैं कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी अपने बैंक का UPI बना के रखा है UPI इंटर कर लेना है आपको। तो चलिए मैं अपना UPI नंबर इंटर कर लेते हैं, UPI आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे डन हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे हो चुका है और रिडीम कोड मेरा यहाँ पे बन गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिडीम कोड मेरा यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं रिडीम कोड, अगर इसको आप कॉपी करके आप रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैंने बनाया था, ये अभी मैंने बनाया है रिडीम कोड जिसको आप यूज करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज कोड, तो इस पर आपको क्लिक करना है यूज कोड वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, यानी कंफर्म योर अकाउंट यानी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप रिडीम करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो रिडीम कोड है आपका रिडीम देख सकते हैं सक्सेसफुल रिडीम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आप भी अपने गूगल पे से रिडीम कोड को परचेस करके आप रिडीम कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आप गूगल पे से रिडीम कोड परचेस करना है, यानी गूगल पे से रिडीम कोड बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।